अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था, उसको आप थोड़ा और देख लेते हैं क्या है डिटेल में। कि फ्लक्स, देखो फ्लक्स मैं इससे अच्छे से पढ़ा रहा हूं आपको कि फ्लक्स का कॉन्सेप्ट किसमें आएगा, हम लोग का गॉस थ्योरम में आएगा। अगर गॉस थ्योरम अच्छे से समझना तो हमको फ्लक्स अच्छे से समझ में आना चाहिए और गॉस थ्योरम का ही एप्लीकेशन हमको ट्वेल्थ साइंस में दिखेगा। तो थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे पढ़ाने में, दिखाने में, या उसको कॉन्सेप्ट को इंट्रोडक्शन को थोड़ा बताने में आपको, लेकिन ये आपके लिए यूजफुल होगा। अंडरस्टूड? तो फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी। और पॉजिटिव निगेटिव को देख के ये नहीं समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको पहले बताया लास्ट लेक्चर में फ्लक्स का इट इज अ स्केलर क्वांटिटी है, यानी निगेटिव और पॉजिटिव हमको क्या बताता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो सर, हमने पढ़ चुके फॉर्मूला फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर A, और वी कैन से दैट E A cos थीटा। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर A, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। सपोज मैं एरिया A ले लेता हूं, ये एरिया A का वेक्टर वेक्टर है और ये एरिया वेक्टर से एक लाइन पास हो, ये जो लाइन है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू कितना है, मैं यहां से इसको मैंने नाम दिया पर्सन। अच्छा, अगर मैं यहां से देखा तो मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, ये एरिया ऐसा है सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसा एरिया है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड सामने आ रही है। तो एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, तो थीटा कितना हो गया जीरो। किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू पर्सन वन। तो मैं लिखूंगा यहां पे अकॉर्डिंग टू पर्सन वन, पर्सन वन के हिसाब से क्या है, ई एंड ए के बीच में जो एंगल है थीटा कितना है जीरो, तो फाइव कितना होगा ई ए कॉस जीरो, तो कॉस जीरो कितना था वन, तो फाइव इज इक्वल टू क्या होगा ई, तो फाइव की वैल्यू क्या आई पॉजिटिव आई, फाइव की वैल्यू क्या आई पॉजिटिव। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन, अब मैं सेकंड पर्सन की जगह पे देखो अच्छे से, अब मैं इधर आ गया तो मैंने क्या बताया, अब एरिया वेक्टर मैं कैसा देखूंगा, आउटवर्ड मेरी तरफ होना चाहिए टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब मैं कार्डबोर्ड का ऐसा नहीं पढ़ रहा हूं, बल्कि कैसा पढ़ूंगा, ऐसा पढ़ूंगा देखो स्क्रू दिखा रहा है, एरिया वेक्टर क्या है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, मैं देख रहा हूं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसी जा रही है, यानी यहां से अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा, ऐसा है, लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ हो गया, इस तरफ। देखो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरह, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी तरह, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 180, तो यहां पे थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 180। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन टू E एंड A के बीच में जो एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो फाइ इज इक्वल टू क्या होगा ई ए कॉस 180, 180 की वैल्यू कितनी थी माइनस वन, तो फाइ इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ई ए, यहां पे फाइ की वैल्यू क्या आ गई हमारी, अब बताओ पॉजिटिव और निगेटिव से क्या समझ, याद है
यानी अगर फ्लक्स, अगर हम इसको देखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनवर्ड जानी, यहां से मैं देख रहा हूं तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहां जानी, बॉडी के एरिया वेक्टर को भी भूल जाओ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहां जानी इनवर्ड, तो मेरा फ्लक्स क्या है निगेटिव, और उस तरफ से कोई खड़ा होकर देख रहा तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहां गई बाहर, तो वहां पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा कोसाइन। इससे हमारे पास एक पॉइंट मिला, एक नोट करेंगे पॉइंट को, क्या होगा इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कमिंग आउट देन फ्लक्स क्या होगा पॉजिटिव, और इफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मूविंग क्या इनवर्ड यानी गोइंग इनसाइड तो फ्लक्स क्या होगा निगेटिव, समझे, तो पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब नहीं कि उसका डायरेक्शन ये, अगर बाहर की तरफ निकल रही तो पॉजिटिव, अंदर की तरफ जा रही तो निगेटिव, अंडरस्टूड, नोट डाउन। देखो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, इफ इन अ रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट, ये एक रीजन है आपका, इस पे मैंने कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये क्या है तुम्हारा कॉन्स्टेंट, देन द नेट फ्लक्स, यानी हमने क्या निकाला इस रीजन में नेट फ्लक्स निकाला है थ्रू एनी क्लोज सरफेस ड्रॉन इन दैट रीजन इज जीरो, अगर मैं इस रीजन में कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लेता हूं, ऐसा सरफेस है ये क्लोज्ड सरफेस, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी जीरो, क्यों, देखो ना ये तुम्हारा क्लोज सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, अगर मैं बोलूं इसके साथ 10 अंदर जा रही थी यहां से कितनी बाहर आएगी 10 बाहर आएगी, क्योंकि E क्या है तुम्हारा कॉन्स्टेंट है, अगर यहां से 10 लाइन जाए तो 10 बाहर आएगी, 10 अंदर जाएगी तो क्या होगा -10, 10 बाहर आएगी तो क्या होगा +10, -10 और +10 कितना होगा नेट कितना होगा जीरो, तो जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर होगी इस लूप के अंदर उतनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इससे क्या हो जाएगी बाहर चले जाएगी, इससे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका कितना होगा जीरो, लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं है वेरिएबल है, मतलब कहीं पे लाइन क्या होगी कम होगी कहीं पे लाइन क्या होगी ज्यादा होगी, तो जरूरी नहीं कि जितनी लाइन अंदर एंटर हो उतनी ही लाइन बाहर आए, हो सकता है एंटर कम हो बाहर ज्यादा है, या हो सकता है लाइन अंदर ज्यादा एंटर हो और बाहर कम हो, अगर ज्यादा एंटर हो रही बाहर कम आ रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो नेट आएगा वो क्या आएगा, अरे बोलो अगर अंदर 10 जा रही है और बाहर 12 आ रही है मान लो, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बाहर ज्यादा आ रही है तो क्या होगा पॉजिटिव में, और अंदर ज्यादा जा रही है तो क्या होगा निगेटिव, अंडरस्टूड, मैंने ऑलरेडी तुमको इससे पहले कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं कि निगेटिव कब होगी और पॉजिटिव होगी, मान लो 12 अंदर जा रही है 10 बाहर आ रही है तो आंसर कितना होगा 10 माइनस 12 माइनस 10, तो कितना आएगा 2, यानी वहां से 2 क्या होगा 10 बाहर आ रही है 2 अंदर जा रही है सॉरी -2 होगा, अगर यहां से 12 आ रही यहां से 10 जा रही तो कितना होगा प्लस, निगेटिव पॉजिटिव बारे में आपको ऑलरेडी बताया समझा, यानी अगर E कांस्टेंट है और E कांस्टेंट में मैंने कोई क्लोज सरफेस लिया हूं तो उस पे जो नेट फ्लक्स होगा वो हमेशा कितना होगा जीरो, बिकॉज नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स एंटरिंग इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स गोइंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस, अंडरस्टूड, ये लो नेक्स्ट टॉपिक है, हमको ऑलरेडी ये फॉर्मूला पता है फाई इज इक्वल टू क्या है ई डॉट डी ए फ्लक्स थ्रू ए सॉरी ई डॉट ए क्या होता है फ्लक्स थ्रू कर्व ए, मान लो आपका एक कर्व एरिया है और इस पे क्या हो रही है ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इस पर नेट फ्लक्स कितना होगा, तो हम क्या करेंगे इस एरिया को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4,
इसका एरिया कितना ऐसा, इसका ऐसा, इसका ऐसा, इसका ऐसा, यहाँ पे आए तो इस तरीके से, यहाँ पे पहुंचे तो, है ना, सबको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो हर एक का एरिया वेक्टर क्या, डी ए डी ए डी ए डी ए, इस डी ए से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डी ए से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डी ए से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, डी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो इस एरिया वेक्टर से डी फाइव मिलेगा, डी फाइव इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू वॉट डी ए, दूसरे डी फाइव से भी ए इंटू डी ए, ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए, तो टोटल फाइव लिखता होगा, दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव क्या होता है, टोटल फाइव मिलेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे गॉस थ्योरम में हमको इसको याद रखना है, 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हमने इसको स्टडी कर लिया। तो फाइव इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी, याद रहेगा अच्छे से, ये फॉर्मूले को बहुत अच्छे से। तो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट टाइम हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम या गॉसियन सरफेस के बारे में, गॉसियन सरफेस से मतलब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम पढ़ने के लिए मुझे गॉसियन सरफेस पढ़ना जरूरी है। गॉसियन सरफेस है क्या वो देखेंगे हम लोग। सपोज देखो सर, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज, मैं बना रहा हूं बोर्ड पे, लेकिन ये क्या है थ्री डी, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स ऐसी भी निकलेगी, ऐसी भी निकलेगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, थ्री डी यानी चारों तरफ क्या होगी फैलेगी इस तरीके से। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होगी इससे, अब देखो मैंने यहां पे एक एरिया ले लिया, एक छोटा सा सरफेस, इससे कितनी लाइन पास होगी, यहां की जितनी भी लाइन वो इससे पास होगी, मैंने यहां पे एक एरिया ले लिया, कुछ लाइन यहां से पास होगी, मैंने यहां पे एरिया ले, कुछ लाइन यहां से पास होगी, मैंने यहां पे एरिया ले, कुछ लाइन यहां से पास होगी, इस तरह से मैंने लाइन एरिया ले लेके मैंने क्या किया इसको क्लोज कर दिया। ये मेरा चार्ज है, मैंने यहां पे एक सरफेस लिया, यहां पे एक सरफेस लिया, यहां पे लिया, यहां पे लिया, छोटे छोटे सरफेस से उसको मैंने क्या किया टोटल पैक कर दिया। तो यहां पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, यहां पे भी नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, इस टोटल एरिया से क्या हो रही है नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स क्या हो रही है पास हो। तो ऐसा ना बनाते हुए मैं कुछ ऐसा करूं कि कोई मैंने चार्ज लिया है और उसको एक सरफेस से क्या किया एनक्लोज कर दिया, उसको क्या किया है पैक कर दिया, तो मतलब क्या होगा नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स जितनी भी हो किसमें रहेगी, वो सरफेस में रहेगी, समझ लो। सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। मान लो अगर मैंने चार्ज पॉजिटिव चार्ज लिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे क्या निकले नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, अगर मैंने ऐसा सरफेस ले लिया तो ये क्लोज सरफेस है, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स यहां से क्या होगी निकल जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सरफेस कैसा होना चाहिए ऐसा पैक होना चाहिए, मैंने पूरी लाइंस को क्या करनी चाहिए एनक्लोज करनी चाहिए, यानी ऑल द चार्जेस लाइज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। अभी जो क्लोज सरफेस है या तो एक सिमेट्री हो, सर्कुलर हो, या तो ऐसा हो, चाहे तुम आड़ी के भी सरफेस ले लो या एक सिमेट्रिक सरफेस ले लो, ऐसी सरफेस जो चार्जेस को एनक्लोज कर दे, ऐसी सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस।
ये रेगुलर गॉसियन सरफेस कहेंगे इसको, सर्कुलर लेंथ ये कौन सी होगी, रेगुलर गॉसियन सरफेस, और इस तरह से ले तो क्या लिखेंगे हम लोग, इरेगुलर। तो गॉस लॉ जो अप्लाई होता है वो किस में अप्लाई होता है, इन अ क्लोज्ड सरफेस। अगर सरफेस जो हमने अप्लाई किया वो क्या हो, क्लोज्ड हो, यानी जो फ्लक्स होगा उसको क्या कर देंगे हम, कवर कर देंगे, यानी एक ही सरफेस से क्या हो, फ्लक्स पास हो। अंडरस्टूड? तो रेगुलर इन द रेगुलर गॉसियन सरफेस समझा। तो गॉस थ्योरम में चाहे तुम ये सरफेस यूज करो या ये सरफेस यूज करो, कोई चेंजेस होने वाला नहीं। लेकिन ज्यादा आसानी हमको किसमें यूज होती है, रेगुलर गॉसियन सरफेस यूज करने में क्या होती है, ज्यादा आसान। कैसे होती है, क्यों होती है, वो देखेंगे। पहले नोट डाउन करो, अब देखो एनक्लोज क्यों की। सपोज एक 5 कूलम का चार्ज है, क्यू इज इक्वल टू कितना है, प्लस 5 कूलम, यानी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज, इसको मैंने एनक्लोज कर दिया, इसका फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें से जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है, अगर 5 कूलम के हिसाब से जितनी लाइन निकल रही है उतनी सरफेस से क्या होगी, लाइन निकली। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दो चार्ज लेता, एक क्यू और एक टू क्यू, और इसको मैंने इंक्लोज कर दिया, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स या फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस सरफेस कितना होगा, ये दोनों का सम होगा, कितना होगा, क्यू प्लस क्यू क्यू, यानी क्या होगा, थ्री क्यू, यानी थ्री क्यू वैल्यू क्या होगा, बाहर। अगर मैं बोलूं ये क्यू और ये माइनस टू क्यू है, तो क्या होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू, तो फ्लक्स क्या होगा, अंदर आएगा, कितना होगा, अंदर मतलब माइनस क्यू है तो फ्लक्स अंदर, प्लस रहेगा तो बाहर, समझ लो। तो ये जब हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे काफी अच्छे से हमको क्या होगा, समझ में आएगा। अंडरस्टूड? तो हमको ये देखना है कि रेगुलर और इरेगुलर गॉसियन सरफेस क्यों लेते हैं, क्या रीजन है रेगुलर और इरेगुलर गॉसियन सरफेस लेना। सपोज ये चार्ज है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, और मैंने एक रेगुलर मतलब क्या ले लिया, मैंने एक सर्कल इस तरह से ले लिया है गॉसियन सरफेस, कि चार्ज कहां पर, इसके सेंटर पर, ये कौन सा हो गया, रेगुलर गॉसियन सरफेस, चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, तो इससे क्या होगा, प्लस निकलेगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे, क्या था फॉर्मूला, इज इक्वल टू, बोलो E इज इक्वल टू कितना था, 1/4πε0 क्यू अपॉन क्या पड़ेगा, आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमारा कांस्टेंट था के, इसको हमने ऐसा भी लिखा था E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहां पे एयर है तो के की वैल्यू कितनी थी, 1, ये पढ़े थे हमने, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर अगर कॉन्स्टेंट है तो E की वैल्यू क्या होगी, कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे हर पॉइंट, अगर मैं यहाँ पॉइंट देखूं या यहाँ देखूं या यहाँ देखूं या यहाँ देखूं, कहीं भी एरिया वेक्टर हो, इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो, ई, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना होगा, जीरो। ये भी पॉइंट है तो थीटा कितना होगा, जीरो। यहाँ भी पॉइंट है तो थीटा कितना होगा, जीरो। यहाँ भी पॉइंट है तो थीटा कितना होगा, जीरो। समझ लो, ई आउटवर्ड आ रहा है ना यहाँ पे, और ये एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर में क्या रहेगा, सरफेस पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो एरिया और ई हमेशा एक दूसरे के कितने एंगल पर, जीरो एंगल पर। दूसरी चीज, जितने भी पॉइंट हम लेंगे सब क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्या हो, चार्ज। तो हर पॉइंट पे, यहां पे जितने भी पॉइंट है सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। तो ई ए सेम होगा, तो फ्लक्स कमिंग आउट भी क्या होगा, आसानी से कैलकुलेट करते हैं, इक्वल होता है। लेकिन अगर सरफेस इरेगुलर रहा तो हमें पॉजिटिव चार्ज है, और सरफेस इस तरह कैसे इरेगुलर रहा। अब देखो यहां पे मैंने एरिया ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल,
और इसका एरिया वेक्टर ऐसा होता है, एंगल कितना होगा थीटा। ये एरिया वेक्टर क्या है ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई। यहां पर मैंने अगर सरफेस लिया, क्लोज सरफेस, यहां पर एक सरफेस एरिया मैंने, इसका एरिया ए, यहां पर एंगल सपोज क्या होगा जीरो हो गया, लेकिन यहां पे डिस्टेंस क्या हो गया ज्यादा आर वन, यहां पे डिस्टेंस क्या हो गया कम हो गया, यहां पे डिस्टेंस आर थ्री, तो यहां पे ई की वैल्यू क्या होगी और बढ़ ऐसी। अब ये वेक्टर ऐसा हो सकता है इसका वेक्टर ए ऐसा, तो हर जगह पे ई की वैल्यू भी चेंज हो रही है और थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने में थोड़ी मुश्किल होगी और ये कॉन्सेप्ट क्या होगा आसानी से सॉल्व होगा, इसलिए गॉस लॉ पढ़ाने के बाद में जो एप्लीकेशन हम लोग अप्लाई करते हैं वो ज्यादातर जो सरफेस लेते हैं गॉसियन सरफेस, वो कौन सा लेते हैं हम लोग रेगुलर गॉसियन सरफेस, समझे। अगर चार्ज स्फीयर स्फेरिकल है, पार्टिकल सरफेस स्फेरिकल है, तो गॉसियन सरफेस क्या लिया जाता है स्फीयर लिया जाता है। जैसे मान लो कि चार्ज है हॉलो स्फीयर है सेंटर ओ है, तो इस पे जो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितनी होगी स्फीयर के बाहर, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक पॉइंट है सॉरी पॉइंट है इस पर लाइन ऐसी पास होगी, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा। मैंने बताया था जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है कम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस स्फेरिकल हॉलो स्फीयर कितना होगा, इसको पढ़ने के लिए हम लोग यहां पे जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो क्या बनेंगे स्फीयर बनेंगे। गॉस लॉ के बाद समझ में आएगा अच्छे से। अगर मैं बोलूं स्टिक है ये लाइन है इसे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे यहां से भी एक सरफेस पास करेंगे, लेकिन वो सरफेस क्या होगा एक सिलेंडर होगा, रेगुलर क्या होगा सिलेंडर, समझ रहे हो। लेकिन इससे पास करना है कि पॉइंट कहां पर होना चाहिए, एक्सिस कहां पर होना चाहिए, उसके सेंटर पर होना चाहिए। हाँ, अगर तुमको ऐसा आता है ये पॉजिटिव चार्ज देगा लेकिन तुमने एक रेगुलर स्फीयर लिए लेकिन ऐसा पास किया तो क्या होगा, सेंटर का लेकिन चार्ज हमने यहां लिया, ये डिस्टेंस ये पॉइंट पे क्या होगा डिस्टेंस क्या होगा आर अलग होगा, बराबर है। ये पॉइंट पे इस चार्ज का डिस्टेंस अलग होगा, ये पॉइंट पे इस चार्ज का डिस्टेंस क्या होगा अलग होगा, डिस्टेंस अलग हुआ तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी अलग होगी, जिसका डिस्टेंस कम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ज्यादा होगी, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कम होगा। मैंने बताया था आपको चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम, चार्ज के नजदीक रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी ज्यादा होगी, यहाँ पे ई वन क्या होगा ज्यादा होगा और यहाँ पे अगर मैंने ई टू बोला तो ये क्या होगा लेस होगा, अंडरस्टूड। तो रेगुलर क्वेश्चन सरफेस लेना है लेकिन सेंटर कहाँ पे चार्ज कहाँ पे होना चाहिए उसके सेंटर पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको क्या मिले सेंटर, अंडरस्टूड। तो यहां तक की अच्छे से नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे और गॉस लॉ पढ़ने के बाद में गॉस लॉ को पढ़ने के बाद में जो एप्लीकेशन में गॉस लॉ और गॉसियन सरफेस को कैसा यूज करते हैं वो काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा भी जितना टॉपिक हमने पढ़ा है उसको अच्छे से क्या करो रिवाइज कर लो। थैंक यू।